कितने दिन तक परेशानी हो रही है आपको? भाई ये 6 महीने तो कम छह से भी नहीं हो कम गए? आराम पर है। और मतलब कोई पहली किसा था ये किसा है? वो पहले है कि मैं ठीक था यू सरपंच आपने कोई आवाज उठाई सरपंच के पास गए हो? मारा वरना गांडे जा कोई नहीं मरे कान सुन सुनता मारा तो अच्छा, रोज जेरा खुद जेरा खबर ना कर यू रोड बनना चाहिए क्योंकि मतलब थोड़ी बड़ा है, विकास का नाम पर वोट लेने तो आसान से विकास तो करके दिखाओ यार। बिल्कुल 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 का गलत सही बात बात है, सही बात है भाई। कड़ा गया विकास भाई, जब उस दिन तो धूना पर रुके मेरे मेरे के नरोड़ा पर रुके मेरे मेरे के विकास की मुट्ठी कड़ा गई और रेत की मुट्ठी कड़ा है भाई। तो सरन राम राम, स्वागत आपका अपने चैनल पे। तो भाई आज पहुंचे हैं आप एक गांव, जो गांव गोरखपुर है उसके जो बाहर वाली फिरनी है ना रोड, मतलब रोड तो कई कसका रोड तो यू रहे को नहीं आपने दिखन ले रहा है, कच्चा गामा तो भी बुरी हालत हो रही है। और एक और समस्या है जो यह गली लग गई इस रोड पे, ये गली में देख लो अगर बैलगाड़ी बलद बग्गी टपेगी ना तो कितनी समस्या होगी, कितने गहरे खड्डे आड़े। और काफी टाइम से ये समस्या नजर आने लग रही है, लगभग हो गए 3 से 4 महीने हो गए हैं। तो जो एड को आवा जाओ है उनती और भी ज्यादा समस्या होगी भाई, क्योंकि यहाँ पे तो कदे कदास आनी है लेकिन जो डेली की रूटीन मेड को आनी उनती ज्यादा समस्या हो रही है। तो इस बारे में मतलब आप लोगों तो पूछेंगे कि भाई पंचायत की समस्या है कि या किसकी समस्या है? तो ताऊ है एड़ा ताऊ हाँ भाई बग्गी रोगी, एक बार इस रोड से कितनी समस्या हो रही है? गणित तगड़ी समस्या हो रही भाई बड़ा तो बग्गी ने दिक्कत आओ है और कितने दिन तक चल रही है समस्या? या भाई 3 महीने 3 महीने मतलब कोई सुनवाई को नहीं हो रही कोई इसकी, सुनवाई को नहीं रही मतलब कोई पंचायत एक्शन, मतलब लोग कंधे को नहीं का एक्शन को लेंदी के वजह है? तो पहाड़ी के तो गेट दिया और बिलाई सरपंच करता को शहरी कुकर की बीमारी हुई रही बिलनी अच्छा अच्छा के दाइव दिए हाँ कर तो दिया क्या कहानी समझ में आया कोई रही बिल्कुल बिल्कुल है हाँ और करना तो चाहिए बिंदी बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो देखो आप मतलब एक किसान है सबसे तगड़ी समस्या आ रही, क्योंकि साधन जो ट्रैक्टर है गाड़ी है वह तो आराम तो लग जाए लेकिन जो बैलगाड़ी है ना उनमें बहुत ज्यादा समस्या है। रोड पड़े एक तो जो बड़दा के जो मतलब खुर बोल अंग्रेजी थी वह बिल्कुल भाई कच्चे भी हो रहे, क्योंकि सारे रास्ते तो पक्के गए और फिर ये रोड का समाधान को नहीं। तो आप और भाइयों से भी राय लेवांगे और मैं आगे भी दिखाना चाहूंगा अपने एक रोड के बीच में पुली बनाई रखी और वह कम से कम भी रोड तय 1 फुट ऊंची है। तो मतलब अगर जब बाई चांस रात के समय में कोई बैलगाड़ी या कुछ और भी आवे तो उनकी भी बहुत ज्यादा समस्या हुआ है। मैं कैमरा मैन कहूंगा साथ के साथ में मेरे अलग अलग है जी। और भाई बढ़िया पंडित जी, राम राम। राम राम भाई। तो ये देखो भाई इतनी खस्ता हालत हो चुकी है रोड की और कोई एक्शन को नहीं, मतलब कि पंचायत का मामला है या न्यूक्लियर पावर प्लांट का मामला है तो जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे सभी भाई, क्योंकि भाई ये अकेले का काम तो है नहीं, ये पूरे ग्रामवासियों का काम है। ये देखो भाई ये जो मनाई गई है, मतलब अगर जो साधन का लाइट नहीं होगी नहीं और इसका जस्ट आगे एक पुली भी है जो पानी की है, मेरे मेरे हिसाब से सीवर है और सीवर रुक रहा है। तो आप ट्रैक्टर वाला पे भी बात करांगे एक बार रखना। राम राम भाई। राम राम भाई, रोड में कितनी समस्या होगा? एबल समस्या भाई, ज्यादा समस्या है। अच्छा के मतलब ऊपर कितने दिन तक परेशानी हो रही है? कम से कम भी 2-3 महीने हुए भाई। 2-3 महीने कोई मरने का चांस को नहीं? कोई किमे चांस नहीं है, खाती की लाग गए कोई कोई मरा होगा। पहली तभी खस्ता हालत होगी। हाँ तो भाई सभी का यो कहना है जिस रोड पहली था नहीं कम से कम ओए होंदा तो बढ़िया था, आज यहाँ परेशानी तो कोनी आवर। तो आप देख सको यार मतलब कि इतना बड़ा गांव है गोरखपुर और सभी युवा पंचायत है आज के दिन गांव गोरखपुर के अंदर, तो फिर भी कोई मतलब गंभीरता से कोनी लिया जाने लग रहा मामला। तो भाई और भाई आओगे यहाँ पे उन तो भी पूछते रहोगे सारे, क्योंकि देखो यार ये पूरे गांव की समस्या है सबसे पहली बात है। और आवाज उठाने वाला कोई नहीं मनता भाई, मेन बात ये भी है, मन्ना भी 3-4 महीने हो गए थे देखता था माँ हो जाएगा लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर कर दियो ताकि प्रशासन लगे या वीडियो पहुंचे। और दो भाई और आओ है आप इनसे भी पूछेंगे इस बारे में कितनी परेशानी हो रही है इनकी। रोगी भाई साहब, भाई साहब राम राम। अच्छा ये जो रोड है कितने दिन तक परेशानी हो रही है आपको? भाई ये 6 महीने तो कम 6 महीने हो गए आराम पर। और मतलब कोई पहली किसा था ईब किसा है? वो पहला है कि मैं ठीक था यू ईब तो सारे बड़े बड़े हो गया सारा, मतलब साधन सुधु ने का तो रहा कौन। अच्छा, और मनन मुन उनके को चांस को समाधान हो गया लगते तो को नहीं।
जिस तरह दिख रहा है। अरे जो ये सीवर सावर डाइवर गए है इनका मतलब मामला किमे इनका के बरा पासिंग पासिंग तो कोई करण बाकी ये तो रुकी पड़ी है डाई आज जो दिखने लग रही है अपन। हां पासिंग है गवा चल रही है। अच्छा अच्छा अपन ने बने तो भाई आड़े के जो लोग हैं वो बिल्कुल इस रोड से परेशान हो चुके हैं और दो भाई भी खड़े हैं। हेलो भाई। हेलो भाई, मतलब रोड का बारे में आपकी क्या राय है? देख लो भाई, रोड का तो बुरा हाल हो रहा है, आंधे जंधे में बहुत तकलीफ हो से, बहुत दिक्कतों से। मतलब अंडर किसके है, पंचायत के अंडर है या न्यूक्लियर पावर प्लांट के? भाई पंचायत के अंडर है, पंचायत ने इस पे इसकी तरफ देखना चाहिए। और गांव के आदमियों ने बहुत दिक्कत हो, बहुत समस्या हो, साधन भी टूटते हैं। बिल्कुल भाई, सभी गांव के जो लोग हैं यही बात बोल रहे हैं कि भाई 3-4 महीने से बहुत ज्यादा समस्या आ रही है और मतलब बात को कुछ भी संज्ञान में नहीं लिया जा रहा भाई। तो जो बैलगाड़ी है अब जो ये पिछले दिनों में बहुत ज्यादा तंगी हुई है किसानों को, क्योंकि एक बैलगाड़ी के अंदर 10-10 मन तूड़ी और 15-15 मन गेहूं लेके आए और इन रोडों पर को अगर वह चलेगी तो सबसे ज्यादा समस्या किसको होगी? किसान को होगी। और भाई छोटी गाड़ी भी ऐड को लखना महाभारत, अगर मारुति गाड़ी होगी ना तो नीचे से गार्डर मिल जाएंगे उस गाड़ी के, इतने बड़े बड़े आगे खड्डे हैं, वह भी दिखाऊंगा मैं अपने साथ में। और दो भाई और भी आए हैं अपने, ये भाई ऐडा समस्या देख के ना सारे इकट्ठे गए सारे। राम राम भाई। राम राम भाई। तो भाई लीले राम के समस्या आ रही है गाँव गोरखपुर में या काफी दिन से नजर आने लग रही है समस्या? समस्या तो भाई रबिया को नहीं तो साइकिल। अच्छा देख लो भाई, सारा ही मैंने रास है। हाँ अरे भाई आनिए जानिया तो थर्मल का मैंने लो, थर्मल का तो ले लिया अपने भगवान की दया सुथरा का। अरे अपना लोकल में देख लो यार, ले खेत का भी है और मंदिर का भी है। हाँ। तो इतना देख लिया सारे तो साधरा की तीसी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, दौरे तो साथ नहीं कर लगती। तो मतलब आप इकट्ठे के बोलिया को नहीं सरपंच लगे पंचायत लगे? भाई मारली तारी रवि देख कौन तो इन बातें ने सुना था रे ना बोलया था भाई, भाई बोलया था प्लांट में था पीडी को था बनाए देंगे जो दाम का दो रखो नहीं रास्ता इन लिल्ला और लदो रखो। हाँ। और तीन खतियां को सिस्टम था भाई, तीन खत्ती पंचायत दे दे जो कर ले प्लांट ले। हाँ। और जिसकी खत्ती है उसकी और कड़ियां काट दे। तो फिर सरपंच बोले भाई डीसी डासी गल बात करूं यार, और 3-4 महीने हो गए भाई वह बातचीत मेरे हिसाब से डीसी कौन करता सरपंच कौन करता वह उलझे रही भाई, मम गए तो थे सरपंच दो भाई। अच्छा अच्छा, मतलब कोई उसकी संतुष्ट कौन करे आप? हर वर्ग के लोग परेशान है, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे बिजनेसमैन की बात हो, और बड़ी बड़ी गाड़ियां जो आओ प्लांट में बिल्कुल एक स्पेशल रास्ता बनाया गया को ये देख सको आप, और ये सारे लेबर के है जो कर्मचारी आड़े को आन ले रहे, ये पर्सनल रास्ता दे रखा है? ना 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 ना, ये तो वो क्या कर रहे हैं जो कर लिया मरदा के नहीं करता। अच्छा अच्छा, ना ना कोई रास्ता नहीं भाई, तो ये मजबूरी में कर रखा भाई आड़ को भाई, ये खत्ती मेरे हिसाब से खत्ती हो गई, अगर ये खत्ती बंद कर दे नहीं तो इस रोड पर साधन है को नहीं आने जाने का। और ये जो रोड है यो अपना तो पावर प्लांट से जोड़ा है और आगे जाएगा ना कुमारिया गांव में भी यो रोड जोड़ा है, और बैर को लिखड़ांगे तो आप सिमानी गांव में भी यो रोड जोड़ेगा। तो मतलब गांव की जो बैर की फिरनी है अहम रोड है यो, और आप देख सको चुकर दार कोई भी काम मतलब नू को नहीं हो रहा है भाई, एक शहर कर दे चलो वह भी बात ठीक है भाई, मनन में टाइम लग जाए, लेकिन एक शहर भी कड़ियां डले पड़े कड़ियां खड़े हो रहे हैं और ये सारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं अपना दिखने भी लग रहे। और आपने मिली है रास्ते में एक बुजुर्ग और तौर, तो आप इससे भी पूछा है मतलब कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है डांगरा ना जोड़ पर लेके जाओ रेड को, ताई कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी बेटा खूब हरी से आ वैसे कोई सिंह पहुंच दे सर को दाड़ी मिर तो खड़े मत सर मैं पड़ जैसा और मेरे बाल ना खड़े रखे से मेरे बाल नहीं बिछी और रुक रहे से और परसों से तेरा संग लमैस काट दी से। हाँ। और ये रोड क्या तो कर मना दे कितने कितना टाइम हो गया इसने? इतनी साल ले गया भाई, साल ले गया, हम तो दुखी होने जाना। आपने को आवाज उठाई सरपंच के पास गए? सरपंच उरे मारे बाल ना गांडे से कोई नहीं मेरे कान सुन सुनता मारा तो रोड जेरा खुद जेरा खबर ना कर, ये रोड बनना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई कितने मतलब बिल्कुल बिल्कुल तो भाई देख सको आप कितने परेशान हो रहे हैं लोग। और एक बात और है, यू जब एड को साधन चाल नहीं तो यू बालू रेत का बिल्कुल पाउडर है और जो रोड के ऊपर बालना रह गया मकान रह गया तो सारा रेत उठ के ना अंदर जाके ना छिपा है, और मतलब आप समझ सकोगे भी परेशानी कितनी हो रही है एड को लोगों ने, और काफी टाइम हो गया इसको 4-5 महीने हो गए भाई पड़े नुक्का नु, और आगे भी बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं जो मैं अपना दिखाऊंगा उसमें डांगर पशु कुइयां भी डैश है। हाँ। बोल दी को नुरा ना के बोल पड़े नुको मार तो सिउर भी तो रुक रहे आज है।
समाधान कर दे हम रोड की तो देखी जाओगी डवांगे मरांगे काई को दे रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो भाई युवा पंचायत मन रही सारी की सारी और मतलब कोई बात का भी किसी प्रकार का एक्शन को लिया जान लाई रहा है। कम से कम भी 4 से 5 महीने हो गए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है यार कि मतलब इतनी जागरूक पंचायत है गांव गोरखपुर की जीतिया पे कैश काम पे सारे युवा है और वह भी विकास की ओर ध्यान को नहीं उनका तो मतलब कैसे काम चलेगा भाई। तो आगे और दिखाऊंगा मैं अपना बिल्कुल लंबा खड़ा है बिल्कुल एक मैच फिक्स है जगह नुक्की न्यूज में। हाँ और एक ताई और है जो अपना रोड पर मकान लगा है उसे भी आप पूछेंगे कितनी परेशानी हो रही है। हाँ ताई राम राम सांस को रोग है बेटा देख सको भाई आप कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। और मैं कैमरा मैन कहूंगा आगे भी दिखाऊंगा आप एक चीज और मतलब बिल्कुल लंबी खाई है तो आज भाई साथ के साथ में। और ये देखो भाई बैलगाड़ी भी आन लाई रही है तो इन भाइयों ने भी आप पूछा है कितनी परेशानी हो रही है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब कितना टाइम हो गया इस रोड की इस खस्ता हालत में? जी भाई साहब इस रोड ने तो पूरे 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने के पूरी तंगी मतलब तो आपको कितनी परेशानी हो रही है? आवागमन भी आपका हेडेक हो रह गया भाई साहब सारी एन का आवागमन रह गया जावा की दौड़ को रही है रोड इतना खराब हो रहा है और गाँव का मेन रोड है गऊ के जाया आदमी तो एक टाइम संतुष्ट कर ले गौ के जाए करते संतुष्ट कर कच्चे पैर हो रहे हैं पैरा में रोड गड्ढा से। बिल्कुल तो सरपंच साहब से उम्मीद से जिस तरह उम्मीद करी थी वोट दिए थे उम्मीद करके दिए थे अब गांव का विकास करेगा एक शिक्षित ईमानदार बड़ी आदमी आया है। बिल्कुल। और उस उम्मीद ने तोड़न लग रहा तो सरपंच साहब ये तो गलत से। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही रिक्वेस्ट करा था अब जिस उम्मीद पर हमारी उम्मीद ना ना तोड़ो आप इस गांव का विकास करवाओ गांव की बात टोड़े बताया करे सही मैन गांव का रोड से बाहर का आदमी भी है जिन्हू सोचा के गांव से हो। बिल्कुल बाहर का रोड खराब से तो के गांव से हो। तो चलो ठीक है भाई। तो ये देखो भाई मतलब कि हर जनता का ये कहना है कि मतलब परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है और जिस हिसाब से सरपंच लग वोट दिए थे तो मतलब उस उम्मीद पर खरिया को नहीं उतरा सरपंच और कानूनी दायरा में ये रोड सभी का ये कहना है भाई कानूनी दायरा में ये रोड बनना चाहिए मतलब 33 फुट का जो भी रिक्वायरमेंट हो रही है भाई अपन तो इतना पता को नहीं लेकिन प्रशासन ने पंचायत ने तो इन चीज़ों की पूरी नॉलेज है तो कानूनी तौर तरीका तो ही बनना चाहिए ये रोड। ये ऐड के लोगों का कहना है जो मतलब आस पड़ोस में खेत है या मकान है चाहे कोई भी हो। तो आगे और दिखाऊंगा मैं अपने साथ के साथ में कैमरा मैन ने कहूँगा अलग अलग जी मेरा इस खड्डे की बात हुआ एक बार यू खड्डा दिखा दे प्रॉपर तरीका था कितना पानी इकट्ठा है रहा और सारा पानी है जो बिल्कुल गंदा है। तो आप ये भाई खड़े है 2-3 भाई आप इनकी पूछा है किस समस्या हो रही है किस वजह से ये पानी रुक रहा है और परेशानी कितनी हो रही है जो या गाल है ना या बिल्कुल बंद हो रही है। एक बार और कहूंगा मैं एक बार और दिखा दे या गाल बिल्कुल बंद है। हाँ आन जान की बहुत ज्यादा समस्या है क्योंकि बड़ा दबगी ट्रैक्टर साधन है। हाँ तो भाई बहुत ज्यादा समस्या रहो है। तो राम राम भाई। राम राम भाई। भाई कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी बहुत हो रही है शिवर की वजह से यार 26 बजे से भी हो रही है। अच्छा अच्छा सारे लेवर या सनी बंद समस्या पानी बिना तो। राम राम भाई थोड़ी बहुत अपने भी राय दो भाई साहब इसका। भाई इसका समाधान है शिवर का जो कनेक्शन नीचा है और इसमें निकास नहीं हो रहा ठीक है इसका समाधान करवाओ ये पानी गंदा टूटिया में जान लग रहा। तो भाई मैं इस बात की पुष्टि कौन करता जो ऐड के लोग है वह इस बात की पुष्टि करे कि जो मतलब अपना निकासी है ना पानी की जो गलियां की निकासी है पानी की नालियां की वह सीवर दैब रखे गलियां अंदर और मैन कनेक्शन ले रखा दूर गली तो लेके ना और आगे जोड़ में छोड़ रखा है। तो जो यह गली का जो कनेक्शन है ना सीवर का इस गली का आप खड़े हैं जुलसी में यह पाइप रहेगी नीचे को और जो पीछे तो मैन आ रही है जो मैन सप्लाई जाओगी वह रहेगी उससे तो यो तो किसी हालत में पानी नहीं निकल सकता ये तो सपना बेरा है ऊंचा नीचा लेवल में और जो ये पानी इकट्ठा हो रहा है जो वाटर सप्लाई की जो टूटी है मैन लाइन आओ है वह भी लीकेज हो रही है। तो आज कल अगर हम के है कि टूंटी का ही पानी ज्यादा पीने लगे लोग और इस करके ना ये गंदा पानी लीकेज होने की वजह से सारा गंदा पानी लग रहा है पीने। तो भाई साहब कितनी परेशानी हो रही है?
परेशानी भाई मारे तो राम पर मतलब घर पानी बंद कर रही हूँ, पहले चलू था बंद कर दिया रोक रखा पानी कौन जाता इसका। अच्छा अच्छा शिविर का और मारा तो आंगन का जो पानी से शिविर में लिख रहा है। एक और सबसे बड़ी बात है कि ऐड मतलब कॉर्नर पर घर है और छोटे छोटे बालक भी हो गए बारिश वेरी कुया खेलते थे, अगर इस गड्ढा में गिर के नहर पानी का भरा हुआ तो भाई बहुत बड़ा नुकसान भी है इसका। ये मतलब बात तो है छोटी छोटी लेकिन घर आई तो सोचना तो बहुत ज्यादा बड़ी है बात, मतलब घर उजड़न वाली बात हो इसका। तो सिंह भाई पूरे दो विचार अपने भी रखो इस बारे में, विचार देख ले भैया छोटे बालक का खेला है, नहरी है एक पूरे ले आके बंद कर रखा है। पूरे लाइन नहरी है जो इधर जारी है जो इसे खतर आई थी वो बेरानी किस क्योंकि हिसाब से बंद कर दी। अच्छा पूरा जो एक लाइन बड़ी जारी है पीछे से जारी है बड़ी लाइन भी जारी शिविर की। अच्छा और जो यू शिविर है यूर और रोक दिया यू। अच्छा अच्छा मतलब पानी का कोई सोल्यूशन कौन लिगड़ने का? हाँ इसका कोई लिगड़ने का कौन यूर रुक रहा है यू। और ये पहले यू जो इसमें जो खाड़ होया करता उसमें लिगड़ा करता ये शिविर। अभी तो मौसम भी बिल्कुल सूखा है, जिस टाइम बारिश आओगी और भी ज्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी अड़े के लोगों ने, क्योंकि भाई एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि गली बंद हो रही है, जो बड़द बग्घी डांगर महस पशु ट्रैक्टर जितने भी साधन थे हुए दूर को जाने, अगर जो नुन्ना साइड भी जाना होगा ना तो उस गली में को जाने पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो आंगन का पानी को लिगड़ा मारा तो मतलब आप समझ सको इनकी फीलिंग को कि कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दियो और अपनी अपनी राय जरूर रख दियो कमेंट बॉक्स में, चाहे वो नेगेटिव और चाहे पॉजिटिव हो। मतलब जो इस गली के निवासी है उनकी पहली एप्लीकेशन भी दे उड़ी है सरपंच लगे इसके संज्ञान लियान खतर, अगर भाई यू यू नुनू मामला है इसका हादसा भी हो इसका और हमारा नुकसान भी अरे मच्छर भी का हुआ है, तो भाई के इसका के समाधान रहे एप्लीकेशन का भाई तो कोई समाधान कौन होया इस एप्लीकेशन लिखित रूप में तो हमने बाद में दी, इससे पहला मौखिक रूप में हमें कम से कम 20 बार जा लिए तो क्या बार जा लिए कम से कम, यो मेरा ताऊ खड़ा ये खड़े या मेरी ताई भी सिर्फ यह बात कह जाए बिना थोड़ा टाइम लगा रहे और से जो इसका जो इसका मैं पाइपलाइन दबरी सीवर लाइन बहुत पुरानी पासली पंचायत में दबी थी वह अपना प्रकाश मेंबर भाई साहब इसने जो मेहनत करके सीवर लाइन दबवा लिया हमने और इसका पानी इसमें अड़ या ड्रेन होया करती पुरानी समय जाया करता वो ड्रेन तो होगी बंद। अच्छा जो एक पाइप लाइन सीवर लाइन इंतजार थी पानी तारण खातर लंबी। अच्छा अच्छा इसका कनेक्शन ना तो उसका मैं करा और ना इसमें उरे तक पाइप लाइन दबरी से तो इस साइड में पानी जाओ से। अच्छा अच्छा एक और है जी एक और है एक और जमा दो रहा बेरा है ये उसका पाइप तो उरे है और इसका ही ऊपर है सिर्फ 2 फुट का फैसला छोड़ दिया ना तो इसका पानी न्यूनता रहा ना इसका पानी न्यूनता रहा। हमने कम से कम 20 बार तो हमें मौखिक रूप से बात कर ली, उसके बाद में आखिरी में हमने लिखित रूप में दे रखी से उसके साइन भी हो रहे सारे काम हो रहे हैं, लेकिन कम से कम का 20-25 दिन तो वही बोर भी लिए इब तक इसका कोई समाधान को नहीं। नंबर एक इस पानी का कोई और दूसरी बात अड़ता है पाइप लाइन जुड़ रही टूटेगी इसका मैं सारा आप आपके कनेक्शन करी आप आपका कनेक्शन करके ना सिस्टम बना लिया। अच्छा एक दो कनेक्शन जो अड़ता या पाइप है जोड़ लग रहा है वो जोड़ लीकेज से। अच्छा अच्छा इसका जो पानी आवा गंदा वो जोड़ लीकेज से टूटी जाने के बाद में पानी उस पाइप में फंस जाए और फिर वो आगे सप्लाई कहने की बात है गंदा पानी पीने लग गंदा पानी पीने लग रहा है बहुत बुरा हाल है। और इसने दबी ने कितने दिन हो गए देखिए यो आना मतलब गाड़ बंद हो गई इतने दिन हो गए इसकी कोई अंदाजा है। अच्छा अच्छा हाँ इस बात का कोई समाधान नहीं है। तो भाई आप देख सको आप इनते मतलब अपनी एप्लीकेशन भी दे दी कदे नु सोचा हूं कि मैं और ठहरे है या ध्यान तो देख सको आप लेकिन कोई समाधान को नहीं है। और भाई नु लग रहे कहना भाई हट के दोबारा भी कोशिश करांगे मामे एप्लीकेशन देने की लेकिन भाई फिर नहीं इलाज हो जाए। युवा पंचायत है युवा सरपंच है सारी पंचायत गोरखपुर गाँव में से है जिसमें सभी मेंबर पंचायत के चाहे पंचो और चाहे सरपंच हो सारे के सारे युवा है। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि जल्दी से जल्दी मतलब इस मुद्दा का समाधान करना चाहिए सरपंच ने क्योंकि बड़ा अच्छा है। हां हां सबसे बड़ा विकास यो है विकास की जीत हुई थी आज इतने दिन हो गए भाई सबसे बड़ा और सबसे पहला मुद्दा भी यो है पानी का सबसे पहला मुद्दा है यो और इब तक इसका कोई समाधान को नहीं। इब तो आप अंदाजा लगाओ कितने दिन होगी। अच्छा इस रोड तक कितनी परेशानी हो रही है आपको? इस रोड तक अंदाजा है को नहीं एक तो सारे घर तो तंग से कोई साधन टप गया नहीं रेत सारा है भीतर से। अच्छा अच्छा सबसे बड़ी तो यह परेशानी है बड़ी तो यह परेशानी से और फिर उस तक घनी परेशानी से पानी की गंदा पानी तो पीने ना पावे है और जो पानी वेस्ट हो गया जो गंदा पानी आवा वो लिगड़न जगह को नहीं पाती वो चक्री काटन लग रहा है पूरे तो इसमें टूंटी में कुछ आओ सा और उल्टा हो रहा है। तो भाई देख सको आप और यो गाल बंद हो कितने दिन हो गए यो अंदाजा देख है सारे के शामी
कितने दिन हो गए बेचारे साधन को नहीं आते किसी की। तो भाई देख सको आप कितने परेशान है, मेरा तो है वीडियो का माध्यम था आप लग दिखाना, बाकी आप अपनी राय जरूर दे दियो। और पहले जी पसली पंचायत में शिविर इसलिए दबा था पहले यो पानी मतलब गांव में जा करता। अच्छा गांव के नुकान लगे यार मारा का नहीं पानी आउस यू बहर लगा ड्रेन में लेकर जाते थे, इसलिए मतलब यू खोद कर शिविर दाब के ने और इस ड्रेन में काटा था। अच्छा अच्छा इब ड्रेन होगी बंद या और उस वाली जगह यू जो बड़ा जो पाइप दाब रखा शिविर का। अच्छा उसमें कहे तो उसमें कनेक्शन हुआ फिर या दूसरा एक और लिया रखा उरे यू इसमें भी कौन कर रखा यू अगर जी जो बरसात होगी तो फिर यू जो पानी लिगड़ा करता फिर वो पानी फिर दोबारा फिर गांव में भी जाएगा। जिसका मेरा अंगने नीचा है मतलब मेरा तो पानी इसमें लिख रहा है बिल्कुल, तो मेरा तो फिर पानी कौन लिख रहा है मतलब प्रसाद का पानी कराया रहेगा यो जो शिविर का पानी है नहीं। शिविर का पानी एक बरताऊर का भी मकान नीचा से एक इसका प्रकाश का नीचा है वो पानी शिविर में जुकुर सारे इकट्ठा होकर आराम लिख रहेगा इबोरी बारिश आओगी तो यो हाल होगा और घर घर ले जाके दिखा दिया एक बात बताऊंगा इस गली में है नी सीवरेज में है स्पेशल मतलब 6-7 गलियों का पानी आने लग रहा है तो उनने यह बात को देखा देगी उस उन गलियों की बजाय इसका ज्यादा मैन इंपोर्टेंट है नीचे नहीं करवा सके बिल्कुल पूरी बस्ती का पानी है कम से कम 50-60 घर से थोड़े को नहीं या एक पर्सनली लेवल पर भी उसने मतलब वो कर रखी है यह समझने वाली बात से इन लोगों के लिए पर्सनली उसने यह बात कर रखी है भाई इनका पानी नहीं उतरना और यह बात में खुला होकर कहने लग रहा हूँ यार इतनी बारी आ लिया प्रशासन आ लिया सब कुछ है लिया कर नहीं सकता यार एक गली का समाधान नहीं हो सकता अपने यार। अच्छा फिर वो कड़ा विकास गया इस रोड की बात बताऊंगा देख आपन आपने पता है आपके गांव के भाई हैं इस रोड की वजह तो पूरा गांव परेशान था आने वाले से नहीं अपने गांव मोर आओ सदरा हुए भी बहुत ज्यादा परेशान जो मेन रोड से है और इसका कोई समाधान को नहीं लग रहे हो तो नहीं पैदा उस तक गणा सही था ये पाइप दैब रखे इनमें कोई पानी निकलने का कोई समाधान को नहीं ये पाइप दबे है 2-3 बारी पैट दियो 2-3 बारी भाई गरीब आदमी से लेकिन पाइप बेचारे लगाओ ना इतना टाइम तीसरे दिन पैट के ना खड़े करते हैं यार क्योंकि मतलब थोड़ी बड़ा है विकास का नाम पर वोट लेने तो आसान से विकास करके दिखाओ यार बिल्कुल बिल्कुल क्या गलत बात है कड़ा गया विकास भाई जब उस दिन तो धूना रुक के मर मर के रोड रुक के मर मर के रेत की मुट्ठी कड़ा है भाई नहीं वो आपने भी इलेक्शन लड़े आप भी ठहर लो रेत की मुट्ठी लेकिन रेत की मुट्ठी ढाना आसान है उसने माना बहुत बड़ी बात है यह बात पर्सनली से भाई यार पर्सनली ही उनने व्रत रखी से यह बात तो उन्होंने बता दो चलो ठीक से और सारा समाधान हो गया तो दिया क्या तो पड़ी है भाई चलो कम तक कम इतना तो कर सका है रोड वाला तो चलो बीएनपी सेल के तहत है कुछ भी है जो भी है नुक यार पंचायत दौर की में भी कौन है पंचायत दौर इतनी ओढ़त लेके उड़ते हैं कि पाइप दबाने के वो कौन के खर्चा कौन के फिर इसका मतलब जब थर्मल नहीं होता फिर तो अपने काम का तो सत्यानाश था गलत बात है फिर तो भाई मैं मेरी वीडियो का माध्यम तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं करता पुष्टि करा तो ऐड के लोग कर रहे हैं और सारे परेशान है चाहे वो पंचायत हो चाहे प्रशासन हो किसी भी हो इनकी मांग यह है कि जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए।